हमने तो 2020 के चुनाव में वादा किया था कि अगर आप लोग हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो विधानसभा में सब भाजपा वाला चुप हो गया, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। लेकिन छल कपट किया गया, किसी विधायक को 50 वोट से हराया गया, किसी को 12 वोट से हराया गया। सरकार से जाते ही तेजस्वी यादव का एक अलग रूप देखने को मिला है। तेजस्वी यादव अब जनता के बीच गए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और वो सारी गाथा सुना रहे हैं जो जो तेजस्वी ने महसूस किया है। तेजस्वी यादव ने जब 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उस वक्त तेजस्वी यादव ने सरकार नहीं बना पाई थी। तेजस्वी यादव वो भी गाथा जनता के बीच रख रहे हैं, वो पूरा मसला बता रहे हैं कि आखिर कैसे वो सरकार बनाते बनाते पिछड़ गए, जहां उनके पास 122 की संख्या होनी चाहिए थी लेकिन उनके पास मात्र 114 ही रहा। तेजस्वी यादव ने जनता के बीच ये भी बताया है कि आखिर हुआ क्या था, मोदी सरकार ने कैसे 122 के नंबर को 114 पर ही अटका दिया था। कई सारे विधायकों को तो 14 वोट, 15 वोट, 100 वोट ऐसे करके हरा दिए थे। असल में वो विधायक जीतने वाले थे लेकिन मोदी सरकार ने ईवीएम में खटपटी की, ईवीएम का पूरा मसला बताया कि कैसे वोटिंग ही रुकवा दी गई थी, वोट की गिनती ही रुकवा दी गई थी। 4 बजे के बाद वोटिंग की गिनती नहीं हुई, उसके बाद 12 बजे के रात में, रात के अंधेरे में वोटिंग की गिनती शुरू करवाई ताकि अंधेरे में फिर बदल किया जा सके। हमारे वोटरों को, हमारे वोट्स को अपना वोट बनाकर उन्होंने सरकार बनाया। हम उस वक्त भी खुश थे, हमें विपक्ष में ठीक था, मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं था अगर हम विपक्ष में थे तो। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कहा है। आप पहले उस बयान को सुनिए जहां पर तेजस्वी यादव इस पूरी गाथा को जनता के बीच रख रहे हैं। उन्होंने वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, जब हम कांटी की टक्कर दे रहे थे, उसके बाद भी हम पिछड़ गए थे, चाहे वो बीजेपी की वजह से ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन हम तब भी संतुष्ट थे, हम विपक्ष में थे। लेकिन जब नीतीश कुमार फ्रेम में आए, नीतीश कुमार के साथ जब हमने सरकार बनाया, उस वक्त भी हम नहीं चाहते थे कि हम सरकार नीतीश कुमार के साथ बनाए, लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हमने ये कदम उठाया। और हम जानते थे कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। आज भी जब पाला बदले हैं तो आज भी हम बीजेपी से पूछ कर आए हैं कि क्या आप गारंटी लेते हैं, मोदी के गारंटरों, क्या आप गारंटी लेते हैं कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे। लेकिन विधानसभा में सबके मुंह चुप हो गए थे। पहले आप तेजस्वी यादव का ये बयान पूरा सुनिए। हमने तो 2020 के चुनाव में वादा किया था कि अगर आप लोग हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन 2020 का जब चुनाव रिजल्ट आया तो बहुमत के लिए 122 चाहिए था, हम लोग बहुमत पास कर गए थे, लेकिन छल कपट से ये लोग 122 के जगह हम लोगों को 114 के आसपास रोकने का काम किया। आपकी सरकार बन गई थी लेकिन छल कपट किया गया, किसी विधायक को 50 वोट से हराया गया, किसी को 12 वोट से हराया गया, किसी को 100 वोट से हराया गया, किसी को 500 वोट से हराया गया। 4 बजे के बाद गिनती बंद कर दिया था, फिर रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद गिनती शुरू किया था, फिर भी सरकार बनी। हम विपक्ष में हैं, हमें स्वीकार था, फिर भी हमने ठहरा था कि बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। फिर बाद में आप लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू जी के पास आए, हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े था, हमारे विधायक लोग इनके नुभावा था, महाराष्ट्र में तोड़ दिया, पैसा से प्रलोभन से भाजपा वाला।
ऑपरेशन लोटस चलाना था, झारखंड में प्रयास करना था, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में किया, तो मुख्यमंत्री जी के गिराते हुए आए और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं, लालू जी नाभरी जी हमको माफ कीजिए और फिर से आइए मिलते हैं और 2024 में भाजपा को रोकने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री जी का साथ दें, काहे हम जानत रहनी हम तो हाउस से पूछे भी भाजपा वाले के लोग क्या मोदी जी का गारंटी इतना मजबूत गारंटी होता है, तो मोदी जी का गारंटी वाले कौन गारंटी था कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से पलटे कि नहीं पलटे इतना बताओ। तो विधानसभा में सब भाजपा वाला चुप हो गया, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी ने सब कुछ जनता के बीच रखा। हालांकि तेजस्वी यादव जब विधानसभा में भाषण दे रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि अब हम जनता के बीच जाएंगे, ये आखिरी बार मेरा भाषण है, आप लोग भाषण सुन लीजिए, इत्मीनान से सुन लीजिए, क्योंकि अब तो आप सरकार में है और हम विपक्ष में है, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है मेरे साथ, और आज अगर हम सरकार में नहीं है तो भी संतुष्ट है, सरकार में हमें कभी होना ही नहीं था, वो तो हमें जनता के लिए सरकार में आना था, जनता को बचाना था, लोकतंत्र को बचाना था, बिहार के लोगों को रोजगार देना था। और हमने कहा भी था जब 2020 में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर आप हमें सरकार में लाते हैं, अगर आप हमें मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, और वो रोजगार का भी वादा हम जब उप मुख्यमंत्री बने तो पूरा कर दिए हैं। हमें कोई भी सत्ता की लालच नहीं थी, अगर हम विपक्ष में भी हैं तो संतुष्ट हैं। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव उस दौरान कहते नजर आए जब वो कैमूर गए हुए थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे फेज की शुरुआत राहुल गांधी ने की है, और जब राहुल गांधी की तरफ से तेजस्वी यादव को निमंत्रण भेजा गया तो तेजस्वी यादव भी जनता के बीच जाने का ये मौका नहीं गंवाना चाहते थे। वो जनता के बीच पहुंचे और उन्होंने पूरी गाथा सुनाई कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। 2020 में भी वो सरकार बनाते बनाते रह गए, और जब 2022 में उन्हें मौका मिला, जब नीतीश कुमार हाथ जोड़कर लालू यादव और राबड़ी देवी के पास आए थे, वो कह रहे थे कि मोदी जी हमारी पार्टी को तोड़ देंगे, आप हमें अपने साथ ले लीजिए, और हम सरकार में आए, हम नीतीश कुमार के साथ केवल इसलिए आए थे कि बिहार वालों को रोजगार दे पाए, लोकतंत्र बचा पाए, संविधान बचा पाए। और आज जब नीतीश कुमार पलटी मार दिए हैं, ये तो हमें पहले से पता था कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, अगर गारंटी लेना है तो भाजपा वालों को ले, लेकिन भाजपा भी गारंटी लेने से पीछे हट रही है। और आज तेजस्वी यादव जब जनता के बीच पहुंचे हैं तो तेजस्वी यादव ने पूरी गाथा सुनाई है, और कहीं ना कहीं ये पूरा जो जनता के बीच जाने का मसला है, जनता के बीच जाने की वजह है, आखिर क्यों तेजस्वी यादव जनता के बीच जा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव की ये जनता के बीच जाकर पूरी गाथा सुनाने के पीछे की शायद वजह भी यही है कि लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव 4000 सीट पर जब लड़े तो महागठबंधन को जीत हासिल हो। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब आज सरकार में तेजस्वी यादव नहीं है, 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा इसका निकल कर आता है, 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो भी क्या तेजस्वी यादव जीत के करीब पहुंच पाएंगे, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया,
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।